दोस्तों नमस्कार, मैं मृदुल गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल GM फर्नीचर पर। दोस्तों अगर आपकी ओपन किचन बन रही है तो उसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि हमें एक ओपन में ब्रेकफास्ट काउंटर लेना चाहिए, या फिर हमारे पास किचन और डाइनिंग का एरिया कॉमन है, स्पेस कम है, तो ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि हमारे पास जो डाइनिंग टेबल है वो पूरी ना रखनी पड़े, हम जब चाहें जब फोल्ड हो जाए। या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे किचन के अंदर काउंटर स्पेस कम है, कभी कभी काउंटर स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कोई फोल्डिंग काउंटर बन जाए तो अच्छा रहे। तो इसी सभी के सॉल्यूशन के ऊपर आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर हम दो ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसके जरिए आप ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर पाओगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए GM फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कॉन्टेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज। दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किचन के अंदर अगर अपने को प्लेटफॉर्म स्पेस इंक्रीज करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका किचन का विड्थ 7 फिट है, ऐसे में आपने एक साइड प्लेटफॉर्म बनाने के बाद जो मूवमेंट स्पेस बचता है वो 5 फिट के अराउंड बचता है, तो वो आप परमानेंट रखना चाहते हो। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कब अगर साथ में पैरेलल वाली वॉल पे एक एक्स्ट्रा काउंटर कभी कभी ज़रूरत पड़े तो बन जाए, उसके लिए आप इस तरह का टेबल ब्रैकेट काम में ले सकते हो। ये जो टेबल ब्रैकेट आता है दोस्तों, ये फोल्डिंग सिस्टम से बना रहता है, इसको आप इस तरह से वॉल के ऊपर माउंट करके और इसके ऊपर अपना एक एक्स्ट्रा काउंटर टॉप बना सकते हो जब भी आपको चाहिए। इसके ऊपर टेबल टॉप अपने को अलग से लगाना पड़ता है। इसमें जो खास बात है दोस्तों वो ये है कि इसकी जो जैसे ये जो गहराई है, मतलब जैसे इसका जो इसको कितना लंबा लेना है ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, अपन कितना भी लंबा ले सकते हैं, लेकिन जो इसकी गहराई है मतलब जो इसकी विड्थ डेप्थ है वो अपन जो है अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग कंपनी द्वारा अवेलेबल किया जाता है। जैसे कि उसमें 12 इंची भी आप ले सकते हो, अगर आपको 16 इंची बनाना है, 18 इंची बनाना है, 24 इंची बनाना है, अपने अकॉर्डिंग अपन अपने प्लेटफॉर्म की गहराई तय कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो गहराई है 300 mm से स्टार्ट होकर के और 600 mm तक कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी कि 12 इंच से 24 इंच तक प्रोवाइड करती है। ये वाला जो टेबल ब्रैकेट है दोस्तों, उसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे पुश बटन दिया हुआ है, इसको अगर अपन हल्का सा प्रेस करेंगे मतलब आगे की साइड पुल करेंगे तो ये आराम से फोल्ड होकर के और ये फोल्ड हो जाएगा, इस तरह से अपनी टेबल जो है वो फोल्ड हो जाएगी। मैं आपको लाइव भी मेरे साइड में वीडियो में दिखा देता हूँ किस तरह से टेबल ब्रैकेट काम करता है। जैसे कि आप साइड में फ़ोटो में देख पा रहे हो, इस तरह से आप इसको आसानी से जब चाहो जब ऊपर कर सकते हो, जब चाहे जब अपन इसको नीचे कर सकते हैं। ये वाला जो टेबल ब्रैकेट है दोस्तों, उसको आप एक्स्ट्रा चॉपिंग के लिए काउंटर बनाना हो या फिर ब्रेकफास्ट के लिए काउंटर बनाना हो, अपने को चाहे वो फ्रंट पे बनाना हो चाहे वॉल माउंट करके बनाना हो, मतलब ये फर्नीचर पे भी माउंट हो जाता है, डायरेक्टली प्लाईवुड पे भी माउंट हो जाता है और वॉल पे भी माउंट हो जाता है, दोनों तरह की माउंटिंग इसके अंदर पॉसिबल रहती है। दोस्तों जैसा मैंने बताया, इसके अंदर अलग अलग गहराई की साइजेस अवेलेबल रहती है ये बनाने के लिए टेबल ब्रैकेट। तो इसका जो लगभग सबसे छोटा वाला मॉडल है वो 700-800 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में लगभग 1500 रुपये तक के टेबल ब्रैकेट आते हैं। ये जो फिटिंग आती है इसमें आपको एडिशनली जो है वो स्क्रू परचेज करने रहेंगे टेबल टॉप को कसने के लिए, और टेबल टॉप बनाना रहेगा, ये कॉस्ट इसके अंदर एडिशनल रहती है। और इसकी फिटिंग काफ़ी ईजी रहती है, इसको आप किसी भी छोटे मोटे कारीगर से करवा सकते हो, किसी भी कारपेंटर से करवा सकते हो। और इसके अलावा आजकल कंपनी कई जगह पर टॉप भी प्रोवाइड करने लगी है, मतलब इसका टॉप भी रेडीमेड एज बेंडेड माइका लगा हुआ टॉप भी प्रोवाइड कर देती है, तो आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों जो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं वो है फोल्डिंग डाइनिंग टेबल, अगर अपने को बनानी है फोल्डिंग सर्विंग काउंटर बनाना है। कई बार क्या होता है, हमारा किचन और जो डाइनिंग स्पेस है वो कॉमन रहता है, आजकल ओपन किचन का कल्चर काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपका किचन और डाइनिंग कॉमन है लेकिन आपके पास स्पेस कम है और आप ये चाहते हैं एक छोटी सी डाइनिंग टेबल जिसमें 3 या 4 जने या 2 जने बैठ के ब्रेकफास्ट कर पाएँ, खाना खा पाएँ, ऐसी रहे, लेकिन जब आपको आम यूज़ करना है तो वो स्पेस आपके लिए मूवमेंट के लिए ओपन रहे, तो ऐसे में फोल्डिंग डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जैसा कि आप मेरे साइड में भी फ़ोटो में देख पा रहे हो कि इस तरह की अपन फोल्डिंग डाइनिंग टेबल प्लान कर सकते हैं, जो कि जब यूज़ करना है तब यूज़ हो जाएगी और बाकी टाइम पे उसको अपन फोल्ड करके वॉल माउंट कर सकते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छा है, ये वाला जो अवेलेबल है चीज़ वो भी एप्को ब्रांड की ही अवेलेबल है, और इसके अंदर जो साइजेस रहती है दोस्तों वो 600 mm से 1200 mm आती है, यानी 2 फिट से 4 फिट तक आती है। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से 2 पीस आते हैं ये, है ना, और यहाँ पर ये नॉब आती है, ये नॉब आती है इस साइड में, है ना, ये नॉब आती है। इसका जो ओपनिंग मैकेनिज्म है वो भी सिंपल है, इसको अपने को हल्का सा बाहर निकालना है, पुश करना है, और उसके बाद में इसको आप जो है इजीली, इसका ओपनिंग मैकेनिज्म भी इजी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये नॉब दी हुई, इसको नॉब को अपने को पहले खींचना है, उसके बाद इस तरह से आप इसको जो है नीचे की तरफ में लेके जा सकते हो, है ना। तो ये अपनी जब चाहोगे जब डाइनिंग बन जाएगी, और जब अपन इसको चाहें जब वापस इसको पुश, इसको जो है ना इस तरह से लगेगी, है ना, और वापस से इसको अपन जो है डाइनिंग को अगर अपने को फोल्ड करना है तो अपने को
इसको क्या करना रहेगा कि इसको दोबारा से नॉब को पुल करके और वापस से आप जो है ना इसको अपना वापस से माउंट कर सकते हो वॉल के ऊपर। तो ये वॉल के ऊपर जाके पूरी जो है आपकी पैनल सहित लग जाएगी। अब इसमें जो खास चीज़ है वो ये है कि दोस्तों इसके अंदर 200 mm यानी कि 2 फिट की चौड़ाई भी आप बना, मतलब 2 फिट बाहर निकली भी आप डाइनिंग बना सकते हो, या फिर 3 फिट निकली बना सकते हो, या 4 फिट निकली बना सकते हो, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट साइज आता है वो 1200 mm तक आता है। जो आपको यू विड्थ लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इनकी दूरी जो है वो ले सकते हो। मेरे हिसाब से मैक्सिमम आप 5 से 6 फिट लोगे तो भी चल जाएगा ये वाला जो मैकेनिज्म है डाइनिंग टेबल का। तो इस तरह से आप जो है लगभग 4-5 जनों के लिए अपनी फोल्डिंग डाइनिंग टेबल प्लान कर सकते हो अगर आपका स्पेस का शॉर्टेज है। ये वाला जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी बढ़िया लगे। इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करें दोस्तों, इसकी जो कीमत रहती है फोल्डिंग डाइनिंग टेबल की फिटिंग की, वो लगभग 2000 से लेकर 4000 रुपये के बीच में रहती है एप्को ब्रांड के अंदर। तो ये वाला जो है यूटिलिटी के प्रोडक्ट है दोनों, इसलिए मैंने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाया जाए। इसके अलावा आगे भी इस तरह का मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ, इसके अंदर आप अगर आपके पास ये ओवररेटेड कैबिनेट्स बनाने की जगह है लेकिन आप कैबिनेट अभी नहीं बना के खर्चा कम करना चाहते हो, तो उसके लिए जो है एक और प्रोडक्ट हमारे पास है वो मैं लाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप जब तक चैनल के ऊपर बने रहिए, देखते रहिए GM फर्नीचर। थैंक यू सो मच।